हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको यूट्यूब चैनल टेक मिनट हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानें कि पीएम किसान इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का फायदा, जानिए क्या है नियम। तो दोस्तों पूरी जानकारी में एक वीडियो में देंगे कि आपको क्यों नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का फायदा और कौन से नियम है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे टॉप चैनल टेक कंपनी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर जो पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार है। जल्द ही सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों के खातों में यह किस्त डाली जाएगी। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत हर वर्ष योग्य लाभार्थी किसानों के खाते में 6,000 रुपये भेजती है। किसानों को ये रुपये 3 बार किस्तों में भेजे जाते हैं। आज हम आपको यह बताएं कि पीएम किसान योजना के तहत कौन से व्यक्ति लाभ लेने के योग्य नहीं है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो वह व्यक्ति इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि गांव में कई ऐसे किसान होते हैं जो खेती के कार्यों से तो जुड़े होते हैं लेकिन खेत उनके स्वयं को नहीं होते हैं, अर्थात वे किसी और के खेतों में खेती करते हैं और खेत मालिक को उसके बदले हर फसल का हिस्सा देते हैं। ऐसे किसान भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल होंगे। जो संघर्ष भूमि धारक हैं वे इसी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। कई बार जमीन दस्तावेजों में योग्य भूमि के रूप में दर्ज होती है लेकिन उसका इस्तेमाल कृषि कार्यों की बजाय दूसरे कार्य में होता है। ऐसे खेत मालिक भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। 10,000 रुपये से अधिक की पेंशन अर्जित करने वाले सभी पेंशनर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप की कर्मचारियों को छोड़कर भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे। साथ ही अगर आपने रजिस्ट्रेशन फार्म में जानबूझकर गलती की है तो भी आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, मेयर की इस योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, इंजीनियर, वकील, चौटरीज, अकाउंटमेंट और उनके परिवार से कोई लोग भी इस योजना के पात्र नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और रोजाना ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदी को अभी भी सब्सक्राइब कर लियो और पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने भी ये गलती की है, आप किसान हैं तो आपने ये गलती की है और आपको इस योजना का फायदा नहीं मिला है, आपके भी बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी नहीं हुई तो दोस्तों हमको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।